हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अ न्यू लेक्चर ऑफ इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जो न कि आपको अच्छी स्कोरिंग करवाएगा बल्कि आपको आगे चलकर करियर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लर्न मोर अर्न मोर। जी हाँ, इस सब्जेक्ट में आपकी लर्निंग को इतनी अच्छी करनी है कि आपकी अर्निंग हमेशा बढ़ती रहे और जो ख्वाब आपके पेरेंट्स और आपके टीचर ने आपके लिए देखे थे वो सारे ख्वाब पूरे होंगे। इस सब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम 100% मार्क्स तो हम सिक्योर करेंगे एग्जाम में, प्लस अपने करियर को भी इस सब्जेक्ट के द्वारा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। फाइन। सो मेरा मानना है कि लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। और मुझे पता है द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन माई क्लासरूम टूडे। आज जो वर्ल्ड का फ्यूचर होने वाला है वो मेरे क्लासरूम में है और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोगों को मुझे पढ़ाने का मौका मिला। आप लोगों की माइंड और मेरी मेहनत, मेरी गाइडेंस और मेरी अप्रोच, हम लोग दोनों को मिलाकर डेफिनेटली सक्सेस हासिल करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। याद रखिएगा, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। और आप नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉलेज इज पावर एंड मनी। अगर नॉलेज अच्छी होगी तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि कभी लर्निंग स्टॉप मत कीजिए, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। हर मौके में आपको एक टीचिंग मिलती है और हमारे क्लास में सिखाए हुए लर्निंग्स आपको हमेशा काम आएंगे। वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। सो हमें इस बैच में अपने लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एजुकेशन इज की टू सक्सेस। आर यू रेडी टू लर्न एंड अर्न? जी हाँ फ्रेंड्स, आज इसी थॉट के साथ हम लोग अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। फटाफट रजिस्टर निकालिए और हम लोग अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। CA इंटर FM, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक ऐसा पेपर जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स और अदर पेपर्स, एक ऐसा पेपर जो आपको करियर में बहुत मदद करेगा और एग्जाम में बहुत स्कोरिंग पेपर ये माना जाता है FM। ये आपका ग्रुप टू का पेपर नंबर है 6A। ये ग्रुप टू का पेपर नंबर 6A है। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का आपका ये पेपर है। 50 में हमें 50 हासिल करना है, यही ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग इस बैच को कर रहे हैं। इसमें 30% MCQ रहेगा, 15 मार्क्स का MCQ रहेगा। MCQ भी आपका सिनेरियो बेस्ड MCQ रहेगा, मतलब क्वेश्चंस जो हम लोग क्लास में करेंगे उसी के बेस्ड पे MCQ बनेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता जाऊंगा। और 70% आपका रहेगा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। फाइन सर, 70% आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी रहेगा, डेट इज 35 मार्क्स। 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी रहेगा। तो ये आपका एक पेपर का पूरा आपका यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ पर आपको मैंने मार्क्स बाइफर्केशन बता दिया, क्योंकि
एक ऑब्जेक्टिव हमें एग्ज़ाम क्लियर करने का भी होता है, और वो भी सिर्फ क्लियर करने का नहीं, हमें 100% मार्क्स की ओर बढ़ना है। कैसे हम ऐसी तैयारी करें कि हम एक नंबर का भी गलत ना करें, उस चीज़ को हमें अचीव करना है। फाइन, तो सवाल ये उठता है कि इस पेपर का रेलेवेंस क्या है। जैसे अकाउंट्स में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं, अकाउंट्स बनाना सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑडिट में आप दूसरे कंपनी की ऑडिट करते हैं, देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया, वॉचिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। टैक्स में आप टैक्स पे करते हैं और टैक्स प्लानिंग भी करते हैं अपने क्लाइंट्स का। तो इस पेपर में हम क्या करेंगे, इस पेपर में ऐसी क्या बात है, एक फ्रेश पेज में लिखेंगे अबाउट दिस सब्जेक्ट, अबाउट दिस सब्जेक्ट, इस पेपर में ऐसी क्या बात है, व्हाट इज द रेलेवेंस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पेपर। इस पेपर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनल में इसी पेपर का नाम हो जाएगा एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये मत भूलिएगा कि फाइनल में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो आज से ही उसका अगर हम न्यू डाल लें तो फाइनल भी बहुत इजी हो जाएगा और आप एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, अगर आपका जड़ मजबूत है, रूट्स आपका मजबूत है। तो फाइनल में भी यही चीज़ मैं लिखवाता हूँ और आपको भी मैं यही चीज़ लिखवा रहा हूँ कि इस पेपर का सबसे पहले रेलेवेंस समझिए कि इस पेपर में हम करेंगे क्या। दिस सब्जेक्ट इज द बैकबोन, दिस सब्जेक्ट इज द बैकबोन फाउंडेशन एंड गेटवे, दिस सब्जेक्ट इज द बैकबोन फाउंडेशन एंड गेटवे टू फाइनेंस करियर। अगर फाइनेंस में आपको अपना करियर बनाना है तो ये सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा करना होगा, बहुत अच्छा एक्सपर्ट बनना होगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले आप निर्धारित कर लीजिए कि व्हाट इज योर करियर गोल, आपका करियर का गोल क्या है। डेफिनेटली अभी आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं अपने करियर के बारे में क्योंकि अभी आपका फोकस इंटर क्लियर करने का ही है, और जो कि होना भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि नहीं, मैं इस करियर को अचीव कर सकता हूं। नॉर्मली लोग बोलते हैं भाई मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीए बनना चाहता हूं, यस मैं अदर सब्जेक्ट सीएमए बनना चाहता हूं, सीएस बनना चाहता हूं, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। आप उसको बनने के बाद, क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फाइन सर, तो आपका करियर गोल क्या होना चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, इफ यू वॉन्ट टू मेक, इफ यू वॉन्ट टू मेक करियर इन स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हो गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई, इफ यू वॉन्ट टू मेक करियर इन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल सेक्टर, देन यू मस्ट एक्सेल इन दिस पेपर, प्रैक्टिकली आपको इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में एक्सेल होना पड़ेगा, मतलब आपको चैंपियन बनना पड़ेगा, आपको इस पेपर में एक अलग सा इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ पता होना चाहिए कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, किस करियर में मैं जाना चाहता हूँ। अभी से अगर थोड़ा थोड़ा गोल हो जाए, मैं कहता हूँ 99% आप एग्ज़ाम रखिए, 1% अपने माइंड में करियर भी रखिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया, अभी आपका टारगेट भी मैं लिखवाऊंगा, हमें 100% मार्क्स इसमें अचीव करना है, उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं।
लेकिन साथ साथ आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये भी रहना चाहिए कि इतना मेहनत करने के बाद हमें क्या आगे करियर ऑप्शन होगा, तो वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ करते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये नेचर है प्रैक्टिकल स्टॉक फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड पेपर, ओरिएंटेड पेपर फाइन। अभी हम लोग आपको सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट का आपके सिलेबस में जिक्र है, और हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपके स्टडी मटेरियल के साथ कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में एक्सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पेपर आपके लिए एक तरह का वरदान है। और अभी तो हम 50 मार्क्स के लिए स्टडी करेंगे और आगे चलकर यही एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाएगा, उसका नींव अभी से मजबूत कर देंगे ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस पेपर में 50 मार्क्स का पेपर में हम लोगों का टारगेट रहेगा 50/50 लाना, ठीक है फाइन। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, आइए आपको हम फाइनेंस की दुनिया में लेके चले, जो ट्रस्ट मी आउट ऑफ ऑल द पेपर्स यू विल लव टू एंटर इनटू फाइनेंस करियर, ठीक है। ये मैं नहीं, स्टूडेंट्स कहते हैं जिनको भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल गया वो फाइनेंस के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। तो व्हाट इज एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर है क्या? तो बहुत ही बुक के बहुत सारे डेफिनेशन होंगे, बट हम आपको एकदम सिंपल डेफिनेशन यहां दे रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मतलब पैसा, मनी और मैनेजमेंट मतलब सही मैनेज करना, सही उपयोग करना। तो अगर हिंदी में देखा जाए तो पैसों का सही मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। पैसों का सही मैनेजमेंट को एफएम कहते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का, आप सोचिए। कोई भी कंपनी पैसों के बिना नहीं चल सकती। अकाउंट्स चल सकती है, हाँ अकाउंट्स नहीं भी अगर आप बना रहे हैं तो बिजनेस तो चलेगी, टैक्स नहीं भी देंगे तब भी बिजनेस चलेगी, ऑडिट नहीं भी कराएंगे तब भी बिजनेस चलेगी। बहुत सारे इंडिया में कंपनीज हैं जो टैक्स नहीं देती है, जो ऑडिट नहीं कराती है, जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है। लेकिन अगर मनी नहीं है, अगर पैसा नहीं है कंपनी में, अगर पैसों की कमी है, तब आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड की भूमिका होती है, उसी तरह से कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका होती है। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर टू, व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट
इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? एफएम मैटर्स, एफएम इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर मनी मैनेजमेंट आपने सही नहीं किया तो कंपनी बैंक्रप्ट हो जाएगी। इसलिए इट कीप्स अ कंपनी सॉल्वेंट, ये कंपनी को सॉल्वेंट रहने में मदद करती है। फाइन, वो कहते हैं ना फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड है। फाइनेंस इज एट द कोर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस इज एट द कोर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस के बिना कोई भी डिपार्टमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे होगा, कैश मैनेज कैसे होगा। डिसीजन मेकिंग रोल फाइनेंशियल मैनेजर्स अपनाते हैं, कहां से पैसा रेज करें, कहां पैसा लगाएं। फाइन सर, विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव। विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव। कितनी बड़ी बात मैंने यहां पर बोल दी कि फाइनेंस के बिना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले आगे। चलिए सर, देखिए कितना अच्छा लैंग्वेज आपके बुक में लिखा हुआ है, आपके स्टडी मेटल में लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ने आपको कितना अच्छा लैंग्वेज लिख कर दिया है। सम एक्सपर्ट ऑल्सो रेफर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। कितनी बड़ी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। सो ये लाइन भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सम एक्सपर्ट रेफर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सम एक्सपर्ट रेफर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये आपके इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है, तो कितना अच्छा उन्होंने भी बात रखा कि फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, पैसों को सही मैनेज करना। आज बड़ी से बड़ी कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है, क्यों? वाय? क्या उन अकाउंटिंग की कोई दिक्कत थी या ऑडिट की कोई दिक्कत थी? नहीं, उन्होंने सही से अपना पैसा मैनेज ही नहीं किया। लोन पे लोन लेते चले गए। लोन कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, ये भी हम लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। जी हां, फाइन सर। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ
दी फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर का मेन गोल क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. सो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन गोल है वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना. वैल्यू ऑफ फर्म किसे कहते हैं हम लोग आगे चलकर समझेंगे कि वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट की वैल्यू से समझते हैं. आज कंपनी के प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं तो कंपनी की वेल्थ बढ़ रही है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही तो कंपनी के ऑनर्स होते हैं. फाइन सर, तो आगे चलकर हम समझेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में और वर्ल्ड में नंबर वन पोजिशन में है. कॉन्सेप्ट नंबर फोर, कॉन्सेप्ट नंबर फोर, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का. मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन फंक्शन होते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड, एक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. कंपनी को जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आए, कहाँ से कंपनी पैसा रेस करे, इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस करे, डिबेंचर से रेस करे, प्रेफरेंस शेयर से रेस करे, कहाँ से रेस करे. इस प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड में ऑब्जेक्टिव क्या होती है, कंपनी चाहेगा वहाँ से पैसा रेस किया जाए, वहाँ से पैसा अरेंज किया जाए जहाँ से उसको कम से कम, दैट मिनिमाइज कॉस्ट, कम से कम उसको कॉस्टिंग में पैसा मिले. मान लीजिए दो बैंक है, दोनों बैंक कंपनी को लोन देना चाहती है, तो कंपनी किससे लोन ले, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, कंपनी को उससे लोन लेना चाहिए जहां पर उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम आ रही है. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, चलो पैसा तो आ गया, अब पैसा को यूटिलाइज करना है. अगर सही यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो पैसा डूब जाएगा, कंपनी बैंक्रप्ट हो जाएगा. तो आपको पैसा कहाँ लगाना है, पैसा वहाँ लगाना है जहाँ पर आपका मैक्सिमम रिटर्न आए, वहाँ पर आपको पैसा लगाना है. तो दो ऑब्जेक्टिव हो गई, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, वहाँ पैसा लगाना है. पैसा कहाँ से आए, पहला फंक्शन, पैसा कहाँ लगाए, दूसरा फंक्शन. और ये पूरा सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ने वाले हैं, पूरे सब्जेक्ट में आप ये पाएंगे, ये दो चीज़ें पूरे चैप्टर में प्रेवेलेंट है. हर एक जगह मैं आपको हर क्लास में यही बोलूँगा, पैसा कहाँ से रेस करना चाहिए और पैसा कहाँ लगाना चाहिए. आप देख सकते हैं जो दो मेन फंक्शन हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी दिया हुआ है वो भी यही फंक्शन है. बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है ये हमारे एग्ज़ाम का. टू मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड
एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन फंक्शन होते हैं, पैसा कहां से रेज करें और पैसा कहां लगाएं। ठीक है, तो हम लोग ए टू जेड चीजें एज पर सिलेबस भी पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पढ़ेंगे। फाइन, चले आगे। चलिए सर, आप देख सकते हैं जो चीज मैंने अभी अभी आपको लिखवाया है, आपके स्टडी मटेरियल में भी ये सारी चीजें हैं। हम आगे चलकर इन सब चीजों को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और आप देख सकते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा कहाँ से लाएं और पैसा कहाँ लगाएं, ये सारा चीज पूरे सिलेबस में प्रिवेलेंट है। हर चैप्टर में हम इसका झलक पाएंगे, हम यह सीख आपको देंगे कि पैसा कहाँ से रेज करना चाहिए और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइन, चले आगे। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो सर, हम फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में फाइनेंस की सबसे टॉप पोजीशन कौन सी होती है? टॉप डेजिग्नेशन। इन फाइनेंस अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो सबसे टॉप जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है CFO की, गेट अ CFO पोस्ट। CFO स्टैंड फॉर चीफ फाइनेंशियल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फाइन, गेट अ CFO पोस्ट, टॉप डेजिग्नेशन इन फाइनेंस। CFO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। CFO is responsible for financial health of any organization. CFO जितने भी financial related matters होते हैं, decision making होता है, CFO रेस्पॉन्सिबल होता है। CFO की भूमिका आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक किसी भी कंपनी में सबसे टॉप पोस्ट CEO का होता है और CFO डायरेक्टली रिपोर्ट CEO को करता है। CEO के बाद CFO का ही अहम रोल होता है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं सबसे टॉप में CFO है। आपके इंस्टीट्यूट के बुक में, आपके न्यू सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ प्रैक्टिकली समझाया हुआ है। टॉप पोजीशन में CFO यहाँ पर है, सबसे हेड में CFO रहता है। तो आपको भी वही डेजिग्नेशन एम करना है, आज नहीं तो कल आप भी इस डेजिग्नेशन को पा ही लेंगे अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से चलेंगे। अगर बहुत अच्छी जड़ मजबूत रहेगी आपकी तो डेफिनेटली मंजिल मिल जाएगी। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। फाइन सर, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फाइनेंस जर्नी में, ये काफी काम आएगा और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टीच यू ऑल। याद रखिएगा, रिमेंबर, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और कहते हैं ना, लर्न मोर अर्न मोर एंड अर्न मोर। जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। द मोर यू लर्न द मोर
यू विल अर्न. फाइन. सो ये जर्नी काफी अच्छी रहेगी और काफी फायदेमंद रहेगी. चले आगे. चलिए सर. फाइन. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको स्टॉक मार्केट का भी करना है, क्योंकि आगे चलकर हर चैप्टर में स्टॉक मार्केट का जिक्र रहेगा. इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट. इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखते हैं स्टॉक मार्केट का. फाइन सर. सो सबसे पहले मैं बता दूं, विदाउट स्टॉक मार्केट नॉलेज, स्टॉक मार्केट नॉलेज के बिना, विदाउट स्टॉक मार्केट नॉलेज, दिस सब्जेक्ट लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप किस चैप्टर की बात करेंगे? हर चैप्टर में आपको स्टॉक मार्केट का रेलेवेंस है. आपके पहले चैप्टर से जो स्टॉक मार्केट की रेलेवेंस शुरू ही है, वो फाइनल तक जाकर भी खत्म नहीं होगी. इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट से. आप देखिए, वैल्यू ऑफ फर्म, हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं. वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. ये मार्केट प्राइस क्या है? ये मार्केट प्राइस, स्टॉक मार्केट प्राइस की बात हो रही है. और बड़ी बात तो यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इसको इंक्रीज करना, इसको मैक्सिमाइज करना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, रोल है इसको मैक्सिमाइज करना. जो फंक्शन है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अगर वो अच्छा रहता है तो हमारा वेल्थ बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है पूरी इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है. कितना जुड़ा हुआ है हमारा स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ. फाइन सर. और सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में ये जुड़ा हुआ है. जहां पर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करते हैं और जहां इक्विटी शेयर होल्डर की बात आती है, तो सबसे पहले यही बात आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी, मालिक होते हैं. इक्विटी शेयर कहां से? स्टॉक मार्केट की तो बात हो रही है. स्टॉक मार्केट से आप जब शेयर्स खरीदते हैं, या आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट से आप शेयर खरीदते हैं, तो आप कंपनी के मालिक बनते हैं, आपको डिविडेंड मिलता है, आप ऑनर होते हैं, आप वोटिंग पावर के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट शेयर्स लेने के एलिजिबल होते हैं, बोनस इशू आपको मिलता है, आपको बहुत सारे और एडवांटेजेस होते हैं और कंपनी को भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. कंपनी जब पैसा इक्विटी शेयर के थ्रू रेज करती है, तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी को एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है. कंपनी को इन्हें रीपे करने की जरूरत नहीं होती है. तो आप सोचिए, कंपनी इस सोर्स ऑफ कैपिटल को कहां से रेज करेगी? प्राइमरी मार्केट से रेज करेगी, और फिर जो शेयर्स वो इशू करेगी वो लिस्ट करवाएगी सेकेंडरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या? स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग होगी तो वहां पर बाय सेल करते हैं. कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी अच्छा इन्वेस्ट करेगी, कंपनी अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेगी, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, और कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ेगी. मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. कितना लिंक्ड है सब कुछ एक दूसरे से. तो आज मैं आपको एक कंपनी का मालिक जरूर बनाऊंगा, और फाइनल लेवल पर आकर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको मैंने मालिक बनना तो आपको इंटर लेवल पर ही सिखा दिया था, क्योंकि यहां पर हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत अनलिमिटेड नॉलेज का स्टॉक मार्केट का
आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां रुक कर हमें फाइनल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें आपको कंक्लूड करवानी है। लेकिन यहां पर जितना सिलेबस में होगा उतना तो हम लोग को करना ही करना है, बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, मस्ट है। हेंस कॉन्सेप्ट नंबर वन में हम कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर वन में हम कह सकते हैं कि दिस चैप्टर इज बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ये जो आपका टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का बैकबोन है। फाइन, तो सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है? कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, इक्विटी, ठीक है। फाइन सर, तो हम कोई बुक का डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं आपको, एकदम सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय एंड सेल शेयर्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेस है, प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। छोटा डेफिनेशन है, वैसे तो स्टॉक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत फंक्शंस है, बहुत रोल है, बट ये छोटा डेफिनेशन अभी के लिए काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बाई और सेल कर सकते हैं इक्विटी शेयर। फाइन सर, तो हमारे जितने भी FM के क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का झलक रहता है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, तो परचेज्ड अ शेयर, परचेज कहाँ किया? उन्होंने स्टॉक मार्केट में परचेज किया। फाइन, प्राइमरी मार्केट में परचेज किया। तो ये पूरा हमारा जो FM है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा हर एक क्वेश्चन में, हर एक कॉन्सेप्ट में स्टॉक मार्केट का यहाँ पर रेलेवेंस है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चंस को भी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फाइन सर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ही सोल्ड द शेयर, तो सोल्ड कहाँ, कहाँ बेचेगा शेयर, इक्विटी शेयर कहाँ बेचेगा, स्टॉक मार्केट में ही तो बेचेगा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, इंडिया की दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन सी है? एक है NSE और एक है BSE। NSE स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आप जब भी कोई शेयर बाई और सेल कर रहे होंगे तो या तो आप NSE से कर सकते हैं या तो आप BSE से कर सकते हैं।
सर किस तरह से शेयर बाई सेल किया जा सकता है वो भी हम आपको बता देंगे। फाइन, कॉन्सेप्ट नंबर 4, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। इंडिया में स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? इन इंडिया स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी के बारे में आप लोग अदर अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, चाहे वो लॉ क्यों ना हो, चाहे वो ऑडिट क्यों ना हो, सेबी का रेफरेंस आपको जगह जगह मिलेगा आपके सिलेबस में। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, नियम बनाना पड़ता है, कब मार्केट खुलेगा, कब मार्केट बंद होगा, बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, वो सारे नियम सेबी बनाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। फाइन, आजकल MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपको नॉलेज जरा सा भी, छोटा सा भी नॉलेज आपका काफ़ी काम कर जाएगा और MCQ में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो हर एक चीज़ का नॉलेज होना आजकल अनिवार्य हो गया है, छोटी से छोटी चीज़ का भी अब क्वेश्चन बन सकता है। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर 5, सो आप स्टॉक मार्केट में कितने पोजीशन ले सकते हैं? पोजीशन इन स्टॉक मार्केट, सो आप स्टॉक मार्केट में 2 पोजीशन ले सकते हैं, एक बाई पोजीशन शेयर्स खरीद सकते हैं या आप शेयर्स बेच सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें इन्वेस्टर मिस्टर मेहरा शेयर खरीद रहा था एंड देन फिर शेयर बेच रहा था। फाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, मिस्टर मेहरा ने परचेज किया मतलब बाई किया और 5 साल बाद सेल कर दिया शेयर, मतलब सेल पोजीशन उन्होंने लिया। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे ही, तो 2 पोजीशन लिए जा सकते हैं, बाई पोजीशन और सेल पोजीशन। ठीक है, फाइन, चले आगे। चलिए सर, फाइन, तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू क्यों करती है? कॉन्सेप्ट नंबर 6, व्हाई डू कंपनीज इशू इक्विटी शेयर? कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है सबसे पहले तो, और कंपनी इक्विटी शेयर इशू क्यों करती है? तो कंपनीज इशू इक्विटी शेयर्स बिकॉज, कंपनी इशू इक्विटी शेयर बिकॉज they require funds for expansion, growth and development. Company issue equity shares because they require fund for expansion, growth and development. उनको expansion के लिए, growth के लिए, development के लिए पैसा चाहिए और equity shares एक तरह का permanent source of capital हो गया। बाकी के theory points हम लोग theory में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे
कि कंपनी को क्या एडवांटेज होता है इक्विटी शेयर रेस करने में। बाकी सबसे मेन तो यही बात है कि कंपनी को पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर एक्सपेंशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं होगा तो कंपनी आगे जॉब क्रिएशन कैसे कर पाएगी, आगे टैक्स कैसे दे पाएगी, जीडीपी पे कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगी, इकोनॉमी कैसे डेवलप्ड होगा। फाइन, सो अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक क्यों इक्विटी शेयर लेती है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, व्हाई डू पब्लिक इन्वेस्टर्स, व्हाई डू पब्लिक इन्वेस्टर्स टेक इक्विटी शेयर, टेक इक्विटी शेयर, व्हाई डू पब्लिक इन्वेस्टर टेक इक्विटी शेयर। तो जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और कंपनी के मालिक बन जाते हैं तो कंपनी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब आपको मिलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग आप अटेंड करते हो, वोटिंग पावर आपको मिलता है, बोनस शेयर आपको मिलता है, राइट शेयर्स आपको मिलता है, डिविडेंड आपको मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं एक शेयर खरीद के आप रख लो अभी, और उसमें देखो हो क्या रहा है, सारी बेनिफिट्स को देखो, और फाइनल लेवल पर आते आते आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, महीने का 100 रुपये बस आपको लगाना है। 100 रुपये का वैसे आप कहीं ना कहीं खर्च कर ही देते होगे, अब आपको बस 100 रुपये का शेयर खरीदना है। 500 रुपये का कोई शेयर खरीद लिया, जो भी आपका बजट है, ज्यादा नहीं, 100, 150, 200 रुपये मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फाइन सर। व्हेन यू बाई शेयर ऑफ एनी कंपनी, यू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। ऑफ दैट कंपनी, फाइन। शेयर होल्डर मतलब ऑनर, मालिक। इक्विटीज आर कंसीडर्ड टू बी बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट प्लेस। इक्विटीज आर कंसिडर्ड टू बी बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट प्लेस। जो दो बेनिफिट्स आपको मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मिलता है डिविडेंड का, और दूसरा मिलता है कैपिटल गेन का। फाइन, प्रोवाइडेड गेन हो, लॉस ना हो। डिविडेंड इनकम मिलता है आपको, आपके लिए भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो गया, और यहां पे कहा भी जा रहा है कि बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अभी तक का मार्केट प्लेस, जो फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है, इक्विटीज ने बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चलकर, हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू बस यहां पर मैं आपको देना चाहता हूं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, उसका एक झलक आपको इस क्लास में, पहली क्लास में मिल जाए। फाइन सर। तो सर ठीक है, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो सर सब चीज ठीक है, अब बताइए सर हम इन्वेस्टमेंट करना कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू करें। फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट
इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट इज मस्ट। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमेटलाइजेशन, डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमेटलाइजेशन, फाइन। इट कीप्स शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये आपका जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। आजकल फिजिकल सर्टिफिकेट्स का जमाना ख़त्म हो गया, पहले पुराने समय में फिजिकल सर्टिफिकेट्स इशू किया करते थे। आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, पेरेंट्स ज़रूर बताएंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आजकल ऑनलाइन बेसिस पे शेयर्स को रखा जाता है, आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डीमैट फॉर्म चाहिए फॉर डीमैट ओपनिंग फॉर्म, मेल अस एट स्टार्ट लर्निंग वन एट gmail.com, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत कंपनीज हैं जो डीमैट अकाउंट का आपको फैसिलिटीज़ देती है, जीरोधा, SMC ग्लोबल, चॉइस, एडलवाइस, एंजल वन, फाइन। दे आर ऑथराइज्ड सेवी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, उन्हीं के पास अथॉरिटी है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। अभी तो आपको मात्र मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ लगाना है, उससे ज़्यादा आपको लगाना नहीं है। बस आपको एक इक्विटी शेयर ऑनरशिप का एक जो फील होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो क्लास में भी हम पढ़ेंगे, उसका आपको काफ़ी अच्छा हद तक आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। बाकी जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं उतना अच्छा माना जाता है, धीरे ही क्यों न सही, शुरुआत धीरे ही होनी चाहिए। हड़बड़ी किसी बात की नहीं है, आज एक दिन में हमें चैंपियन नहीं बनना है, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या है सर? वो है इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड नॉट शॉर्ट टर्म, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म, फाइन। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स ने शुरुआत जल्दी की, रेगुलरली इन्वेस्ट करते थे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते थे, तो आज आप देख सकते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। अभी मैं थोड़ी देर में उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपको बताऊंगा, फाइन। एक हमेशा पॉइंट नोट करेंगे, कभी भी नेवर बोरो मनी फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट।
कभी भी आप बोरो मत कीजिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज यूज स्पेयर मनी, जो स्पेयर मनी है वही यूज कीजिए, और सच मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, नेवर 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 बोरो मनी फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज यूज स्पेयर मनी और सच मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। आप खो भी जाए तो आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लाइवलीहुड में, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लोग इमोशंस एंड लालच में आकर अपने काफ़ी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि ये पूरा रिसर्च है, ये प्रॉपर एक लर्निंग है, ये प्रॉपर एक तरह का फील्ड है। जितना अच्छा सीखेंगे उतना ही जीतेंगे, या हार उसी की होती है जो सीखने में कमी छोड़ते हैं। तो हमें सीखने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, तो फिर जीत पक्की है। फाइन, तो अगर आपको बोला जाए कि सर कौन से दो रोल मॉडल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनसे आप सीख सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, तो मैं बोलूँगा आप दो लोगों के बारे में ज़रूर पढ़िए। एक है वर्ल्ड्स नंबर वन इन्वेस्टर, वर्ल्ड्स नंबर वन इन्वेस्टर का जो ख्याति है किसे मिला है, मिस्टर वॉरेन बफेट। मिस्टर वॉरेन बफेट को वर्ल्ड्स नंबर वन का इन्वेस्टर का दर्जा मिला है। ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11। और इंडियाज नंबर वन इन्वेस्टर, डेट इज CA राकेश झुंझुनवाला। आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी इनकी जो सीख है वो हमेशा हमारे बीच में रहेगी। क्रिएटेड अ वेल्थ ऑफ ₹20,000 crore from ₹5,000, created a wealth of 20,000 crore from mere ₹5,000, 5,000 rupees से इन्होंने 20,000 crore तक का वेल्थ बनाया है। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों के बारे में सिर्फ दो लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। जब भी स्पेयर टाइम हो आप जरूर इनके बारे में पढ़ें। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और आप अपने मोबाइल में मस्ट डाउनलोड कर दीजिए दो ऐप, आप डाउनलोड कर लीजिए, एक मनी कंट्रोल ऐप और एक इकोनॉमिक्स टाइम्स ऐप। जब भी फ्री रहें, जब भी आपको मौका मिले, इन दोनों ऐप के बारे में जो भी यहाँ पर न्यूज़ आती है उसको जस्ट एक ओवरव्यू दें। एक दिन में तो आप चैम्पियन नहीं बन जाएंगे, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, ज़रूर मिलती है, ठीक है। फाइन, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से हैबिट डाल लें, जैसे आपका जो आगे का सफ़र है बहुत ही इजी रहे, बहुत ही आरामदायक रहे। फाइन सर, तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वे में सारी चीज़ों को समझते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है। तो
तो न्यू सिलेबस बैच है, एफएम का ग्रुप नंबर 2, टोटल 50 मार्क्स, 15 मार्क्स एमसीक्यू, 35 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, रेलेवेंस ऑफ दिस पेपर, बैकबोन, फाउंडेशन, गेटवे टू फाइनेंस करियर, आपका करियर गोल क्या है, स्टॉक मार्केट में अच्छा करना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा करना है, तो आपको ये पेपर में एक्सेल करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ओरिएंटेड ये हमारा पेपर है। कुछ एफएक्यूज जहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप लाइफ टाइम अमेंडमेंट सपोर्ट प्लस अपडेशंस ले सकते हैं, रेगुलर 5 times रिवीजन करना है, कोई भी बुक्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मटेरियल जो क्लास में मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा वो मोर देन इनफ है, 100% मार्क्स आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पेन 2 colors का होना चाहिए, एक ब्लैक या ब्लू एंड रेड, और रजिस्टर आप 150 pages हाई क्वालिटी रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं। कैलकुलेटर साथ में लेकर हमेशा बैठेंगे, क्लास की स्पीड स्लो रहेगी। लेक्चर प्लान एंड कॉन्सेप्ट लिस्ट आपको ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास में हर एक बात डॉक्यूमेंटेड की जाएगी। टारगेट आपका मैंने सेट कर दिया है 100% मार्क्स, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स फाइनल लेवल पर भी 100 out of 100 लेकर आए हैं, तो इंटर में तो हमारे स्टूडेंट्स अच्छा ऑब्वियसली करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 90, 95, 91, 93 आया है, क्योंकि एफएम के साथ थ्योरी पेपर अटैच रहता है इसलिए पता नहीं चल पाता 100 out of 100। लेकिन जहां हर स्टूडेंट से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि सर एफएम में तो 100% मार्क्स हमने सिक्योर किया ही किया है। फाइन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं और रैंक भी लेकर बच्चे आए हैं और आगे चलकर उनका बहुत अच्छा करियर भी बन रहा है। फाइन सर, और 100% मार्क्स के साथ आपको ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट करना है। ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जहाँ तक एफएम की बात है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रूफ होगा। फाइन, हमारे एक स्टूडेंट हैं अर्जुन मेहरा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था जिन्होंने इंटर में, वो अब फाइनल में आ चुके हैं, फाइनल में मेरे से क्लासेस ले रहे हैं और CFA का 2 levels भी क्लियर कर चुके हैं। तो अपनी करियर को इतने अच्छे से शेप कीजिए कि आगे चलकर आपके लिए फाइनेंस का दरवाज़ा खुल जाए और आप ये जो सबसे लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है वो आपको मिल जाए। फाइन सर, CFA की क्लासेस वैसे तो आप इंटर एग्ज़ाम करने के बाद करेंगे, फिर भी इंटर एग्ज़ाम करने के बाद आप मेल कर सकते हैं CFAClassesByAJ@gmail.com, जहाँ पर हम आपको CFA से रिलेटेड काफ़ी असिस्टेंस देंगे अगर आप CFA भी करना चाहते हैं तो। फाइन, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ज़रा रिकॉल करिए, तो प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड, तो जैसे रिलायंस जियो को 40,000 crore रुपए मिले फेसबुक से, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड का डेफिनेशन है उससे आप काफ़ी रिलेट करेंगे इस एग्जाम्पल को। हमें प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड, हमारे पास पैसा आना चाहिए, जब पैसा आएगा तभी तो हम उसे इन्वेस्ट कर ग्रो कर पाएंगे। तो पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रक्यूरमेंट ऑफ फंड। जैसे रिलायंस जियो ने 40,000 crore फेसबुक से लिए और उसके बाद क्या होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और आप देख सकते हैं जो पैसा हमें मिला वो हमने इन्वेस्ट किया किस में, 5G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, 2 lakh crore के आसपास का हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो अब हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ेगी, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, और यही हमारा गोल होता है। हमारे चैप्टर में बॉन्ड्स का जिक्र है, Chapter 2 में बॉन्ड्स का जिक्र है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल उसका, HDFC प्लान्स ₹15,000 crore बॉन्ड इशू। तो बॉन्ड्स के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे क्लास में तो आप समझ में, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होना चाहिए कि प्रैक्टिकली भी हम ये सब चीज़ों को कर रहे हैं, करेंगे आगे चलकर, हम कॉरपोरेट लाइफ में ये सब चीज़ें करने वाले हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप प्रैक्टिकल वे में समझ पाएंगे। आजकल जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो भी बहुत प्रैक्टिकल वे में पूछे जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो, जो हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर में पढ़ेंगे, डेट इक्विटी रेशियो ये आपके सिलेबस का, मैं आपके बुक का मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया है जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, ICAI ने इशू किया है डेप्ट इक्विटी रेशियो। और यहीं पर देखिए अदानी ग्रीन्स टू सी डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो अगर आपको ये सारे न्यूज़ तभी समझ में आएंगे जब आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब समझ में आएगा, तो पढ़ाई अच्छी होगी तो नॉलेज अपने आप अच्छा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ई रिडीमेबल डिवेंचर की बात कही जा रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, हर एक चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल है ई रिडीमेबल डिवेंचर। और यहाँ पर आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑफर रिडीमेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल और ई रिडीमेबल डिवेंचर्स के बारे में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइन सर, रिलायंस बिकम्स नेट डेप्ट फ्री आफ्टर रेजिंग 1.68 लाख करोड़। मतलब रिलायंस का नॉर्मल जो डिवेंचर्स होते हैं, लोन्स होते हैं, अब वो नहीं रहे, तो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोन लेने में क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लोन हमें कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग लीवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे। लीवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपको बहुत काम आता है। जयप्रकाश एसोसिएट्स रिपोर्ट्स ₹3,946 करोड़ लोन डिफॉल्ट। तो लोन डिफॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, तो लोन कंपनी बहुत ज़्यादा ले लेती है कभी कभी, तभी लोन डिफॉल्ट हो जाता है। कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक नहीं करती है, कंपनी डेट इक्विटी रेशियो चेक नहीं करती है, फाइनेंस मैनेजर का ये सारा काम है कंपनी को इतना ही लोन लेने दिया जाए जितना कंपनी की कैपेसिटी है पे करने की, अदरवाइज कंपनी एक दिन बैंक्रप्ट हो जाता है, कंपनी डिफॉल्ट घोषित हो जाती है और कंपनी एक दिन इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में और डुबाने में भी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और आप देख सकते हैं अभी भी मैंने बताया रिलायंस जियो इन्वेस्ट 2 लाख करोड़। तो आपको क्या लगता है कि ये 2 लाख करोड़ बिना कोई रिसर्च के इन्वेस्ट कर दिया गया होगा, कि इसके पीछे इसकी NPV कैलकुलेट की गई होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट की गई होगी, IRR कैलकुलेट की गई होगी, इसके पीछे इसकी पेबैक पीरियड कैलकुलेट की गई होगी? तो ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको बताए ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर का रोल है कि इन्वेस्टमेंट सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर खराब हो गई तो कंपनी का भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसलिए कितना बड़ा रोल है आप लोगों का, आप इस रोल को समझिए। ये सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन तक रोल सीमित नहीं है, कंपनी को आगे बढ़ाने में आपका कितना अहम रोल है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसलिए ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। फाइन सर, डिविडेंड डिसीजन नाम का हमारा एक चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹9 पर शेयर। तो आप वहाँ पर डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में पढ़ेंगे कंपनी क्यों डिविडेंड बांटती है, कंपनी को कितना डिविडेंड बांटना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए। तो हर एक चैप्टर कितना प्रैक्टिकली लिंक्ड है आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आप देख सकते हैं कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए, कितना कैश रखना चाहिए, डेटर रखना चाहिए, ये सब की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जब हम कंपनीज में देखते हैं तो कंपनीज को भी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, सैलरी पे करने के लिए, रॉ मटेरियल पे करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसे बोरो करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वर्किंग कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस शीट का। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो कंपनी काम कैसे करेगी? तो कहने का मतलब ये है ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो FM मैंने कहा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगा जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइन सर, तो क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैटर्स बिकॉज इट कीप्स अ कंपनी सॉल्वेंट। इट्स मोस्ट बेसिक गोल इज टू इंश्योर दैट द बिजनेस डजंट गो बैंक्रप्ट। बियॉन्ड दैट, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन हेल्प अ कंपनी ग्रो एंड थ्राइव। तो अगर अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी तो कंपनी ग्रो करेगी। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एट द कोर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव. तो मेन गोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसे कि मैंने कहा मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. आप देख सकते हैं रिलायंस जैसी कंपनी जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बहुत इंक्रीज कर चुकी है, एप्पल जैसी कंपनी आप देख सकते हैं कि 80,000% का रिटर्न उन्होंने दिया है अपने इन्वेस्टर को, ऑल टाइम रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं. तो ये क्या है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही तो है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एग्जाम्पल ही तो है. इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा. आप देख सकते हैं जो शेयर प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है. ऐसा क्यों हुआ, कंपनी की पॉलिसीज अच्छी थी, कंपनी की प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड अच्छी थी, कंपनी की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत अच्छी थी, कंपनी ने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने सही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया, कंपनी ने सही रेशियो एनालिसिस का यूज़ किया, कंपनी ने अपने डेट इक्विटी रेशियो सही रखे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सही रखे, कंपनी ने सही कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन किया, कंपनी ने सही डिविडेंड पॉलिसी फॉलो किया. ये सारा जो हम पढ़ेंगे ये कंपनी को अच्छा बनाने में, कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी. लेकिन इसका उल्टा भी है, कंपनी को डुबाने में भी बहुत मदद करेगी. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर गलत प्रिंसिपल्स आप लगा दिए, अगर आपने सही सीख नहीं ली, तो एक कंपनी को डूबने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. फाइन सर, चले आगे. चलिए सर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास भी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम का एप्पल का शेयर प्राइस है. कभी $150 हुआ करता था, फिर $200. आप देख सकते हैं ऐसे बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज अच्छी है. ठीक है, कंपनीज की पॉलिसीज अच्छी है तो कंपनी जरूर शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करेगा. और जिस कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, जिन्होंने लोन पे लोन लेते चले गए, हमारा चैप्टर है लीवरेज, हमारा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पर यह बताया जाता है कि कंपनी को बिल्कुल सही लोन लेना चाहिए, ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए. हमारा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, जहां पर ये बताया जाता है कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है. लीवरेज चैप्टर है जहां पर ये बताया जाता है कि लोन लेकर जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो काफ़ी रिस्की होता है. अगर कंपनी सही कमाई नहीं कर रही है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा जा रहा है तो कंपनी का नेट लॉस हो जाएगा, और एक दिन होगा जब कंपनी के पास कैश फ्लोज ही नहीं रहेगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, वो कंपनी बैंक्रप्ट हो जाएगा. एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, और एक खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है. आप देख सकते हैं, तो ये सारा खेल, ये सारा पॉलिसीज, ये सारा क्यों हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉलिसीज के कारण हो रहा है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सही हो तो कंपनी का क्या कहना, ग्रोथ निश्चित है. और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट गलत निकली, गलत आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो कंपनी का डूबना निश्चित है. तो दो मेन फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. प्रोक्योरमेंट पैसा कहां से लाए और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पैसा कहां लगाए. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हमारे सिलेबस में है. आप देख सकते हैं रिलायंस ने बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा अरेंज किया है, पैसा इकट्ठा किया है, पैसा रेज किया है और आगे चलकर उसे इन्वेस्ट किया है. और आज देखिए रिलायंस जियो की प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों हजार का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट किया, सही प्रोक्योरमेंट किया, सही इन्वेस्टमेंट किया, इसके कारण उनको आज प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है. फाइन सर, तो जहां आप देखते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने हैं. अनिल सिंघवी जी जो बहुत अच्छे रिसर्च करते हैं, आज उनको सब जानते हैं. और ये डेफिनेटली हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ही प्रोफेशन से निकले लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं. जब ये कर सकते हैं, जब ये इतने ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, तो हम सब भी पहुंच सकते हैं. हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रेरणा और सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन. मोतीलाल ओसवाल, ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दोनों हॉस्टल में पढ़ते थे, दोनों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया और आज हजारों करोड़ों की कंपनी उन्होंने बनाई, जो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है.
फाइन सर, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। जब फाइनल में आएंगे तो डेफिनेटली मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे हमारे प्रोफेशंस के लोग इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजर क्यों ना हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट क्यों ना हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्यों ना हो, सब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को भी आगे बढ़ना है। फाइनल लेवल पर आकर आपका म्यूचुअल फंड नाम का एक चैप्टर होगा, वो भी हम लोग को प्रैक्टिकली समझना है। बस शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, आप ध्यान रखेंगे, अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। याद रखिएगा वो कहावत, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अंत भला तो सब भला, रेदर शुरुआत अच्छी होगी तभी अंत अच्छा होगा। तो आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, वो इस सब्जेक्ट में मैं तैयार कर दूंगा, जिससे आपको 100% मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को विद इन, जब आप पढ़ाई करते हैं तभी आपको एक इंटरेस्ट आ जाता है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, ये फाइनेंशियल सेक्टर मेरे लिए है, और तब आप आगे चलकर जब आप उसको इतना समझेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन बन भी जाएंगे। फाइन सर, ये सब आपके प्रोफेशन के लोग हैं, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, चाहे वो बार्कलेस क्यों ना हो, HSBC, नोमुरास, क्रेडिट स्वीस, गोल्डमैन सैंक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, हर एक फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स, हर एक कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइन सर, हर एक फील्ड में हमारे प्रोफेशन के लोग नंबर वन पोजीशन में हैं, आप देख सकते हैं। इस लाइन में इतना इम्पोर्टेंस है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। CFO, जैसे मैंने कहा, हमारे सिलेबस में भी है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के CFO हैं, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हमें गर्व होता है कि हम भी इसी लाइन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसी करियर ऑप्शन को हम भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आकृति चोपड़ा Zomato की CFO, और डेफिनेटली जब फाइनेंस का बात आता है तो CA थोड़े से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि CA का बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अकाउंटिंग काम है या ऑडिटिंग काम है या टैक्सेशन काम है, ऐसा नहीं है। CA आर गुड फाइनेंस मैनेजर। आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, उनके हेड CFO वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। तो बस समझने की देर है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो ऑब्वियस बात है, आप शुरुआत तो कीजिए, आप चलते तो रहिए, आप स्टार्ट तो कीजिए, साथ साथ सही गाइडेंस के साथ, सही अप्रोच के साथ आप धीरे 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 कर अपनी मंजिल को पा लेंगे। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है, लहरों से झूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज यू कैन। वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड के नंबर वन इन्वेस्टर है, उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट विद इन अ क्लिक ऑफ बटन आप किसी भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। मैं उसका लाइव डेमो आपको आज की क्लास में ही बताऊंगा। फाइन सर, तो बहुत लोग पूछते हैं सर आप अपने बारे में बताइए, हालांकि मैं अपने बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा सुनना चाहूँगा, बट फिर भी मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कल की बात है। एंड मैं ICAI का विजिटिंग फैकल्टी भी रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनके बैनर में पढ़ाना। और उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वालिफिकेशंस भी हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और अदर फाइनेंस लाइन और करियर से रिलेटेड, जो कि डेफिनेटली मेरे नॉलेज को और इन्हांस किया, मेरे को और स्टॉक मार्केट के प्रति, फाइनेंशियल सेक्टर के प्रति और ज़्यादा क्लोज कर दिया। सो दिल्ली में मैं फेस टू फेस बैचेस लेता हूँ, और अब ज़्यादातर मेरी ऑनलाइन क्लासेस ही होती है। बहुत अच्छा लगता है यंग माइंड्स को, यंग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाना, और ये गर्व की बात है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज को अब मैनेज कर रहे हैं और अच्छी पैकेज के साथ मैनेज कर रहे हैं। सो इट्स आर ऑनर फॉर मी टू टीच यू ऑल। और मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो आज जरूर सपनों में होंगे, लेकिन एक दिन ऐसी हकीकत होगी जो सपनों से भी बड़ी होगी, जो सपने भी
आपके छोटे हो जाएंगे और आप इतने आगे बड़े बन जाएंगे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा चैलेंज मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं बिगेस्ट और हाईएस्ट कवरेज ऑफ फाइनेंस सब्जेक्ट देना चाहता हूँ, जहाँ पर कोई भी डाउट ना हो। एक एक बच्चे का डाउट मैं हैंडल करूँगा और सभी बच्चे को मैं चाहता हूँ कि वो एक कंपनी के तो, लिस्टेड कंपनी के तो मालिक जरूर बने। जैसे मेरे को ये जो मैसेजेस आते हैं काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इट्स द फर्स्ट इन्विटेशन ऑफ AGM फॉर मी, उनको एनुअल जनरल मीटिंग का इन्विटेशन आया। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऐसा मैसेज मुझे हर एक स्टूडेंट से चाहिए। तो वॉट नेक्स्ट? तो मैंने हमेशा कहा लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एम हाई करिए, क्योंकि जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। वेट मत कीजिए, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। याद रखिए, यू हैव टू मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब जो लाइफ आपकी बची है वो इतनी अच्छी हो कि इसमें आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। फाइन। सो यहां पर मैं आपको लिखवाना चाहता हूं डिटेल्ड कवरेज ऑफ स्टॉक मार्केट नॉलेज विल बी गिवन इन फाइनल सिलेबस। जो डिटेल कवरेज है वो हम लोग फाइनल सिलेबस में आपको डिटेल कवरेज देंगे, जिसमें आप अपने आप को बहुत हद तक इस करियर के लिए तैयार कर पाएंगे। फाइन। अभी जो हमने आपको दिया वो बेसिक नॉलेज दिया और ये काफ़ी है हमारे सब्जेक्ट के लिए, और फाइनल लेवल पर हम लोगों को तो पूरा पूरा इसको समझना ही पड़ेगा, वहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फाइन। तो फ्रेंड्स, आइए एक छोटा सा डेमो बताते हैं डीमैट अकाउंट ओपन कर कर कि शेयर होल्डर बनना कितना आसान है। और आप डेफिनेटली, मैं बहुत ईजी वे में बताऊँगा, मैं ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लेन या डिटेल्ड में लेके नहीं जाना चाहता। जस्ट मैं यहाँ पर यह डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ कि शेयर होल्डर बनना कितना 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 आसान है, और आगे चलकर जितने भी क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर होगा। जहाँ पर शेयर होल्डर की बात होगी, जहाँ पर इक्विटी की बात होगी, जहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात होगी, वहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। आइए प्रैक्टिकल सेशन में आपको शेयर होल्डर बनना सिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना सिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, और मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है। देखते हैं मेरे मोबाइल पे क्या ओटीपी आया है। मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ ओटीपी, और फाइव सेवन एट सेवन वन थ्री। तो देखिए, हम डीमैट अकाउंट के अंदर पहुंच गए हैं। ये डीमैट अकाउंट का लुक है। डेफिनेटली फाइनल लेवल पर हम लोग एडवांस वे में एक एक चीज़ समझेंगे। अभी तो हमें सिर्फ शेयर होल्डर्स बनना है, अभी हमें कंपनी का मालिक बनना है, और जो हम शेयर्स आज खरीदेंगे फाइनल लेवल पर भी, आप याद रखिएगा, जब फाइनल में आपकी क्लासेस करेंगे आप, तो हम याद दिलाएंगे कि देखिए ये शेयर्स हमने आपकी क्लास में परचेज करके आपको दिखाया था। फाइन सर। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर ऑफ द कंपनी एज दे अंडरटेक हाईएस्ट रिस्क। तो आइए इक्विटी शेयर होल्डर बन के देखते हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, इंटर लेवल पर हम उतनी कोशिश नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज फाइनल में तो आप आएंगे तब तो आपको पूरे स्टॉक मार्केट का दुनिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए, तो हम आज क्या करते हैं, आपको मालिक बना के छोड़ देते हैं, या मैं आपके भी यहाँ पे मालिक बन जाता हूँ। फाइनल लेवल पर जब आएंगे तो आप ज़रूर मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने ये सारी चीज़ें क्लास में की थी, उसका पोजीशन बताइए, मालिक बनने में आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ बताइए, आपको डिविडेंड मिला कि नहीं मिला, आपका कितना कैपिटल गेन हुआ, आपको एनुअल जनरल मीटिंग का इन्विटेशन आया कि नहीं आया, आपको रिस्क क्या हुआ, आपको डिविडेंड
कितना मिला, देख सकते हैं डिविडेंड पेबल, एक एक चीज सार्थक हो जाएगा, मेरा एक एक नोट्स पूरा सफल हो जाएगा, क्लास में पढ़ा हुआ एक एक चीज जीवंत हो जाएगा। फाइन सर, तो आइए फ्रेंड्स एक शेयर मैं खरीद के आपको दिखाता हूँ। जोमेटो का शेयर खरीदते हैं, बाई गए, जोमेटो लिखे, बाई किए, कितना आसान है, बाई कर लिए और हमने प्लेस ऑर्डर कर लिया और हम जोमेटो के मालिक बन गए, कितना आसान है। इसके लिए हम लोग कितना इंतजार करते हैं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। याद रखिएगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 95 के आसपास हमने जोमेटो का एक शेयर खरीदा और हम मालिक बन गए। अब हम जब फाइनल में जब आप जाएंगे और जब आप मुझसे पूछेंगे सर क्या बेनिफिट हुआ, आप एजीएम अटेंड किया कि नहीं किया, आपका कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ, डिविडेंड इनकम कितना मिला, तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो मात्र अगर आप महीने में 500 रुपये भी अगर लगा सकते हैं तो आप मालिक बनकर देखिए कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा आप फील करते हैं चीज़ों को। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप एक ऑनरशिप और आप जब उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकली कर चुके हो और तब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो समझ है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की समझ होती है। बाकी फाइनल में तो करना ही है आपको, इंटर में अगर आप कर सको तो ठीक है, नहीं तो आप फाइनल तक इंतजार करिए। और अगर आप इंटर में सिर्फ मालिक बनकर आप रह सकते हो कि एक बार मालिक बनकर रह जाते हैं, फिर जब फाइनल में आएंगे तब हम सर से डिस्कस करेंगे, तो आप 100 रुपये या 500 रुपये तक आप लगा सकते हो, ठीक है। फाइन, आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। आपको प्रैक्टिकल स्टडी करना है, इंटर में हो सकता है हम लोग अभी ज़्यादा डिटेल में लेकर आपको नहीं जाए, लेकिन फाइनल में तो हमारा सिलेबस में ही और ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में जाना है, क्योंकि नाम ही है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइन सर, तो आपने देखा शेयर होल्डर बनना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स अभी भी आपको स्टॉक मार्केट से प्यार नहीं हुआ है तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई होप इस एग्जाम्पल से तो आपको स्टॉक मार्केट से प्यार हो ही जाएगा। फाइन, इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपनी क्लास भी आज की ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना है। फाइन, अभी आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारी बातें हम ग्रुप में भी करने वाले हैं आप लोगों से, ताकि कोई भी बच्चों को कोई डाउट ना हो, कोई भी बच्चे को किसी को किसी प्रकार का भी डाउट है वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकता है। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और जो मैंने आपको टेलीग्राम का यूज़र आईडी दिया है @classbyaj, उसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। टारगेट हमारा 100% मार्क्स का रहेगा और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके मैथ्स के स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर देंगे। मैथ्स के जो कैलकुलेशंस में जो बच्चों को दिक्कत आती है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, जिससे आगे चलकर जब हमारे कैलकुलेशंस आएंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। तब तक के लिए मेरा ये प्रेजेंटेशन, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से प्यार हो जाए। फाइन सर, क्योंकि अगर आपको इस स्टॉक मार्केट से प्यार हो गया तो इसका मतलब आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो गया, और इस सब्जेक्ट से प्यार हो गया तो 100 out of 100 मार्क्स इस सब्जेक्ट में हम सिक्योर करेंगे और हम सब इस सब्जेक्ट को हाई स्कोरिंग बनाएंगे, ताकि हम लोगों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आए, हम इस सब्जेक्ट को अपना करियर भी बना सके और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बना सके। फाइन सर, तो आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि सर मेरा जब इंटर एग्जाम हो जाएगा तो हम भी एक कंपनी के शेयर होल्डर तो जरूर बनेंगे, और बनना ही चाहिए। आगे चलकर आपको इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग भी लेना है, आगे चलकर आपको आर्टिकलशिप करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, जहां आपको महीने का 60,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। जी हाँ, इंटर क्लियर करने के बाद जब आप आर्टिकलशिप करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में तो 60,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ। तो उसे अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम क्लासेस में आपको देते रहते हैं, और फाइनल में आके तो फिर आपको और एडवांस लेवल पर नॉलेज लेनी है।
तो सर कितना रुपए चाहिए होता है शेयर होल्डर बनने के लिए? सर हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें क्या दे सकते हैं? बिल्कुल हम दे देंगे, अगर आप बोलेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है तो जरूर हम देंगे, चलिए वादा रहा। आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं जरूर दूंगा आपको पैसे, अगर एक कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए जितने पैसे चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। चलो देखते हैं आपको किस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है। तो सबसे पहले या तो आप MRF कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हैं, MRF का एक शेयर का कीमत 1 लाख रुपए है। क्या आपके पास 1 लाख रुपए है? सर क्या मजाक कर रहे हो, अगर 1 लाख रुपए होते तो हम यहां थोड़ा बैठे रहते। ठीक है कोई बात नहीं, पेज इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, 36,000 रुपये एक शेयर की कीमत है। क्या 36,000 रुपये है? सर क्या आप हमारे भी जले में नमक छिड़क रहे हो? नहीं है सर, आप क्यों हमसे मजाक कर रहे हो? ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, क्या आपके पास 10,000 रुपये है? नहीं सर, हमारे पास 10,000 भी नहीं है। कोई बात नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की नंबर वन कंपनी, क्या आपके पास 2,500 रुपये है एक शेयर खरीदने के लिए? नहीं सर, हमारे पास 2,500 रुपये भी नहीं है। इंफोसिस इंडिया की नंबर वन आईटी सेक्टर की कंपनी, क्या आपके पास 1,300 रुपीज हैं इंफोसिस के शेयर खरीदने के लिए? नहीं सर, आप बात ही मत कीजिए सर हमसे। ICICI बैंक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग कंपनी, क्या आपके पास 1,000 रुपये हैं? नहीं है सर। भारतीय एयरटेल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनी, क्या आपके पास 800 रुपये हैं? नहीं है सर। BPCL, क्या आपके पास 400 रुपये हैं? नहीं है सर। NTPC पावर सेक्टर की कंपनी, क्या आपके पास 200 रुपये हैं? अब आप ज्यादा हो नहीं हो रहा है, आप सब में नहीं नहीं बोल रहे हैं, तो अब नहीं नहीं चल रहा है सर। नहीं है सर, चलिए आपकी बात मानते हो, आपको एक शेयर का मालिक बनना है। टाटा स्टील, क्या आपके पास 100 रुपये है? नहीं है सर। IRB इंफ्रा, क्या आपके पास 25 रुपये हैं? IRB इंफ्रा, अब आप कह रहे हैं सर हमारे पास छुट्टे नहीं है, ये सही बात नहीं हो रही है। अच्छा स्पाइस जेट, क्या 30 रुपये हैं? नहीं सर, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है मतलब नहीं है। चलिए आपको, आपने मुझसे वादा किया कि हम एक कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, एक कंपनी के मालिक बनेंगे, एक कंपनी के इक्विटी ऑनरशिप को होल्ड करेंगे, जिससे आपका काफी हद तक प्रैक्टिकल क्लियर होगा। इतना कम से कम आपने मुझसे वादा किया है। यस बैंक 18 रुपए का शेयर, क्या आपके पास है 18 रुपए? नहीं है सर। वोडाफोन 8 रुपए, क्या आपके पास 8 रुपए? नहीं है सर। मतलब अब तो आप ये कह रहे हैं सर अब छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, GTL इंफ्रा, क्या 75 पैसे हैं? 75 पैसे हैं? नहीं है सर। एक्सेल रियलिटी, क्या 35 पैसे हैं? नहीं है सर। अब कुछ ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या यहां बताया, मैंने ये बताया कि हर एक प्राइस में शेयर अवेलेबल है, हो सकता है कोई अच्छा कोई बुरा, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के बैलेंस शीट, वो सब तो आपको मैं आपको रिसर्च करना सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, क्योंकि हमारी क्लास का टैगलाइन है लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। बट आप शेयर होल्डर बन सकते हैं, बहाने नहीं चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, अब मुझे रिजल्ट चाहिए। आपकी मैसेज का मैं इंतजार करूंगा, जैसे पुराने सभी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए हैं, मैं भी आपके मैसेज, वीडियो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज का इंतजार करूंगा। तो जब भी आप शेयर होल्डर बने, मुझे वीडियो मैसेजेस एंड टेक्स्ट मैसेजेस जरूर करना, जैसे मेरे सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं आपके भी मैसेजेस का इंतजार करूंगा। फाइन सर, तो सवाल ये उठता है कि इन सब से हासिल क्या होगा? बहुत कुछ हासिल होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस आपके मार्क्स जब एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली वही आपके लिए आगे का रास्ता बनाएगा। जब फाइनल में आप आएंगे आर्टिकलशिप करेंगे तो आपको मंथली 60,000 रुपये तक मिलेगा इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। ये मैसेज आप मुझे करेंगे इंटर क्लियर करने के बाद, जब आपका आर्टिकलशिप लगेगा तब। थैंक यू सो मच सर, आई एम प्लेस्ड विथ मॉर्गन स्टैनली बैंगलोर विथ अ पैकेज ऑफ 78,000 पर मंथ एंड सैटरडे संडे ऑफ। माई पेरेंट्स आर हाईली हैप्पी एंड आई एम हाईली ऑनर्ड बींग टॉट बाई यू, सो हैप्पी सर, योर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ मी। दैट्स सो नाइस मैसेज। और आप लोग सभी ये मैसेजेस करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा आर्टिकलशिप में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंडर काम करने का मौका मिल रहा है। क्रेडिट स्विस, बारक्लेज, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, HSBC, नोमुरा, ये सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है, वहां पर आप आर्टिकलशिप करेंगे इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सर और क्या फायदा मिलेगा आगे चलकर? आप लोग
एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। हाय सर, गुड इवनिंग। फ्रॉम द डे देयर वाज ओनली लॉसेस बट टुडे आई अप्लाइड योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। आप समझ रहे हैं, जो क्लास के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अप्लाई करके इन्वेस्ट स्मॉल एंड गॉट द रिटर्न। टुडे आई रियलाइज योर एवरी कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल एंड इवन प्रैक्टिकली अप्लाइड। थैंक यू सो मच सर। सर लगता है इस बार BMW पक्का मैं खरीद लूंगा अगर ऐसा ही चला तो। थैंक्स अलॉट सर। अभी तक अराउंड 13-14 लाख का गेन हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेप्ट। मैं सिर्फ आपको लर्निंग देता हूं। आप अपने खुद के दिमाग से, खुद अपना ब्रेन यूज करते हुए आगे जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। सर आई स्टार्टेड योर क्लास ऑन 11 सितंबर, देन आई अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 6 लैक्स। इट मीन्स रफली आई अर्न अराउंड 1,25,000 पर मंथ। Moreover, I have started my own consulting service on stock market and it is also getting good response. All credit goes to you. That's so nice. Sir, mere elder brother around 83 lakh rupees earn kar rahe hain. He is going on world tour. That's so nice. Such a nice messages. Ye sab abhi nahi hoga, bahut saalon baad hoga. Lekin raasta aapko abhi se tay karna padega. रास्ता अभी से आपको चूज करना पड़ेगा। फाइन सर, अभी तो बस आपको यह करना है कि एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना है, डिविडेंड लेना है, बहुत स्लो स्पीड में चलना है, लर्निंग को स्ट्रांग करना है। लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। इट्स फर्स्ट इनोवेशन ऑफ AGM। आई एम गोइंग टू AGM, गॉट AGM नोटिस। सर यू आर रियली अ गुड मोटिवेटर, द बेस्ट टीचर। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर बैच and because of you I have made lot of profits. So आप समझ सकते हैं concept की कीमत और financial management subject की कीमत। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये सारा चीज़ जो आप पढ़ेंगे आगे चलकर, उन सब को आपको practical रूप में भी देखते रहना है, क्योंकि आजकल exam के questions भी बहुत technical आने लगे हैं। आपको अगर practical knowledge और conceptual knowledge का अगर जरा सा भी आप उसमें पीछे रह जाते हैं तो आजकल एग्जाम क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है। बट हमने आपको टारगेट रखा है 100% मार्क्स, तो और हम उसे जरूर अचीव करेंगे। बस आपको मेरे दिखाए गए गाइडेंस और रास्ते पे चलना है, आपको मेरी अप्रोच से चलना है। डेफिनेटली आपको अच्छी मंजिल मिलेगी। कहते ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फाइन सर, तो जब मुझे इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। डियर रेस्पेक्टेड सर, आई वॉन्टेड टू से समथिंग सर। आई टुक क्लासेस फ्रॉम यू एंड नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। द वे यू टीचिंग स्टाइल नाउ, FM इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप समझ सकते हैं FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट फॉर माई एग्जाम। इन योर क्लास माई कैलकुलेशन स्पीड हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा इम्प्रूव करेंगे और मैथ्स के टेक्निक को बताएंगे। फाइन सर। सर आफ्टर योर क्लासेस आई सॉल्व माई फ्रेंड्स डाउट ऑल्सो, दे टुक क्लासेस फ्रॉम अदर टीचर एंड नाउ योर मोटिवेशन। सर योर मोटिवेशन विल गिव अस एनर्जी टू गिव आवर बेस्ट एंड नेवर गिव अप एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। सर आपके लिए जितना बोलूँ उतना ही कम है। लास्ट वर्ड फॉर योर क्लास, मजा आ गया। सो जमशेदपुर की स्टूडेंट है और डेट्स वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। आई एक्सेप्ट इट और मैं चाहूंगा कि आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में ही स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, एग्जाम के बाद भी स्टूडेंट्स काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं। सर व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर एग्जाम्स, प्लीज गाइड मी। आई एम योर FM इंटर स्टूडेंट फ्रॉम मथुरा सेंटर। सर FM एंड इको एग्जाम वॉज वेरी वेरी इजी, एवरीथिंग केम फ्रॉम योर बुक्स। तो ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंट दिलवाने के लिए कि यू आर इन सेफ हैंड्स और आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं आने देंगे। ठीक है सर। पेपर्स एवरी एस्पेक्ट इज कवर्ड बाय यू सर। वाइल राइटिंग एग्जाम आई कैन हियर योर वॉइस वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन आंसर। ऑल्दो आई एम योर वर्चुअल स्टूडेंट्स, your detailed explanation and core concepts explanation really helped me today at exam. Thank you sir. तो I think दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बस अब आपको वही मेहनत करनी है जो मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा।
आपको रिवीजन करना है, आपको हर चीज़ अच्छे से समझना है, डाउट्स पूछना है और अपने जो भी चीज़ें क्लास में होगी उसको सही और समझकर और कंसंट्रेशन माहौल में, एक प्रॉपर माहौल में पढ़ाई करनी है। फाइन सर, थैंक यू सर। तो आई थिंक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। फाइन सर, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आर यू इन लव विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स? अभी आपको डेफिनेटली मैं ये नहीं पूछ सकता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप फाइनल लेवल पर आएंगे, और आपको डेफिनेटली इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, और प्यार होना ही है क्योंकि मॉर्निंग से नाइट तक आप इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से घिरे होते हो। जी हाँ, आपको कंपनीज की पॉलिसीज पता चलती है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी कितना लोन लिया है, कंपनी में आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप डे टू डे एक्टिविटीज में कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, कहीं ना कहीं आप कंपनी से जुड़े हुए होते हो। तो सुबह उठते हो, पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो, सुबह उठते ही आप ब्रश करते हो, कोलगेट की ब्रश आप करते हो, और आप अपने दांतों को स्वच्छ रखते हो, उसके बाद आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो लाइफ बॉय क्यों ना हो, चाहे लक्स, चाहे फेयर एंड लवली क्यों ना हो, आप अपने आप को तैयार करते हो, और सुबह सुबह जो आप खाना बनाते हो वो आप इमामी के तेल की ही बनाते हो क्योंकि आपको अपना हेल्थ बहुत प्यारा है। सुबह सुबह ग्रीन टी लेना हो तो जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज का ही आप लेते हैं। चाय बिना ब्रेड के तो अच्छा नहीं लगता, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का ब्रेड भी लेते हो, साथ साथ बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड का आप भुजिया भी खाते हो, और ITC की सनफिस्ट की बिस्किट भी साथ साथ आप खाते हो, और चीनी आप बलारपुर चीनी मिल्स का ही लेते हो, बट ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, थोड़ा संभल कर खाइएगा क्योंकि चीनी खाने से ज़्यादा डायबिटीज़ भी हो जाती है। फिर आप टाइटन की वॉच पहनकर अपने बैग में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की मिनरल वाटर रखते हुए, रेमंड्स के कपड़े पहनते हुए, आप बाटा के जूता पहनते हुए, और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा के कुछ इक्विटी शेयर्स भी खरीद लेते हैं मॉर्निंग में, और अगर आप कॉमोडिटीज एक्सचेंज में भी आप एक्सपर्ट हैं तो आप मॉर्निंग में गोल्ड भी खरीद लेते हैं MCX से, उसके बाद आप अपने ऑफिस जाते हैं मारुति सुजुकी की कार में, और टायर आपकी लेकिन C8 की ही होती है, और रास्ते में आपको पेट्रोल जरूर भराना होता है तो आप HPCL के आउटलेट में ही पेट्रोल भराते हैं, और कुछ अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप ICICI बैंक का ATM काउंटर जाते हैं और अपने पर्स में पैसे रखते हैं। ऑफिस में आप लिंक के पेन से ही अपना काम करते हो क्योंकि आपका वो पेन फेवरेट है, और आपको कुछ थकान लगती है तो कैफे कॉफ़ी डे से आप कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं, और अपने फ्रेंड को भारतीय एयरटेल की सिम कार्ड से फ़ोन करते हैं, और PVR आइनॉक्स में कोई मूवी का प्लान करते हैं। मूवी देखने के बाद इतनी सर में दर्द देने लगी कि आपको अपोलो हॉस्पिटल जाना पड़ा आपको सर दर्द का कोई दवाई लेने के लिए, और डॉक्टर ने आपको लिख दी काफ़ी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए गए, तो डॉक्टर लाल पैथ में जाकर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि आउटलेट डॉक्टर लाल पैथ का है कहाँ, तो आपने जस्ट डायल में फ़ोन किया और डॉक्टर लाल पैथ की लैब के बारे में जानकारी ली। घर आते आते आपने डाबर का एक सिरप लिया क्योंकि आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, और आपने LIC का एक इंश्योरेंस भी करवा लिया क्योंकि LIC आपका हमेशा साथी रहता है, और फिर जब घर आते हैं तो मैगी की याद तो आती आती है, तो नेस्ले इंडिया की आपने मैगी घर में बना ली, लेकिन मैगी के साथ साथ अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा मिल जाए जुबिलेंट फूडवर्क का तो कहना ही क्या, आपने जोमेटो से जुबिलेंट फूडवर्क का डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगवा लिया, और फिर रात को, कल क्योंकि फिर से ऑफिस जाना है, रात को अपने बर्पूल ऑफ इंडिया लिमिटेड की वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो लिए और आराम से बेड में गए और वोल्टास की AC चला ली,
सामने आपने जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज की अच्छी सीरियल देख ली, उसके बाद आपको याद आया यार कि हॉस्टल की लाइफ से अच्छी तो अपनी घर होती है, काश अपना एक घर होता, मैं मम्मी पापा को भी यहाँ बुला लेता, तो आपने डीएलएफ में अपना एक घर बुक कर लिया। याद रखिएगा, घर में जो आप फर्नीचर बनाएंगे उसकी प्लाई सेंचुरी प्लाईवुड की ही होनी चाहिए, घर में जो पेंट होगा वो एशियन पेंट का ही होना चाहिए, और जो सीमेंट लगाओगे वो अल्ट्राटेक सीमेंट ही यूज़ करिएगा। उसके बाद आपने याद आई मम्मी पापा की, थॉमस कुक इंडिया में आपने अपना टिकट बनाया अपने घर जाने के लिए, साथ में आपने वीआईपी इंडस्ट्रीज का सूटकेस भी मंगा लिया, और आप जब घर जा रहे हैं तो इंटरग्लोब एविएशन में आपने एयर टिकट बुक कर ली क्योंकि मम्मी पापा की याद आ रही है। लेकिन आपने कहा सर हमारे घर में प्लेन नहीं जाती, आप IRCTC से आप टिकट बुक कर लीजिए, तो आप IRCTC की वेबसाइट में गए और टिकट बुक करा लिए। आपने कहा कि सर हमारे घर में ट्रेन भी नहीं जाती, तो आपने हीरो मोटोकॉर्प का एक बाइक खरीदा और अपने घर के लिए रवाना हो गए। आपने कहा सर हमारे घर बाइक भी नहीं जाती, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का आपने साइकिल खरीद के आप अपने घर की ओर रवाना हो गए। आपने कहा सर हमारे घर में साइकिल भी नहीं जाती, हमारे घर तो सामने है, तो खादिम्स में गए, अच्छा चप्पल खरीदे और पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए। अब क्योंकि जाने में कुछ टाइम है तो आपने सोचा मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, ब्लू कार्ड की कुरियर एजेंसी से आपने गिफ्ट दिया, गिफ्ट आपने आर्चीज लिमिटेड के ही आउटलेट से खरीदा है। फिर रात को सोते सोते आपने हैवल्स की नाइट बल्ब ऑन कर ली और रिलायंस की जो एंड्रॉयड फ़ोन में उसमें कल सुबह उठने का अलार्म लगा लिया क्योंकि कल फिर सुबह जल्दी उठना है, कल फिर सुबह अपनी ऑफिस के लिए जाना है। और इस तरह से आपने पूरे दिन को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट के साथ अपने दिन को पूरा किया। तो याद रखिएगा, एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। तो आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, आई एम वेरी मच एक्साइटेड आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बहुत कुछ मैथमेटिकली स्ट्रांग बना देंगे और धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैंने पूरा इंडेक्स भी आपको लिखवा दिया है, अब दूर नहीं है मंजिल अपनी, बस अब चलना बाकी है, बस अब चलना बाकी है। आइए फ्रेंड्स, छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। हम वैल्यूएशन का चैप्टर कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कर रहे हैं। आपने देखा कि वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फ्यूचर बेनिफिट्स पे डिपेंड करती है। हमारा ये सेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल लर्न। तो आप कभी सोचते होंगे कि क्यों प्राइस क्यों ऊपर नीचे भागता है, क्यों किसी की कीमत ज़्यादा होती है और कोई किसी कंपनी के शेयर प्राइस की कीमत कम होती है। मैंने आपको बताया आज की क्लास में वैल्यूएशन का रूल बताया कि अगर फ्यूचर इनफ्लो ज़्यादा होगा तो मेरा प्राइस भी ज़्यादा होगा, और अगर फ्यूचर इनफ्लो कम होगा तो मेरा प्राइस भी कम होगा। ये अगर आप इस बात को समझ जाए तो मेरे हिसाब से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब ये बात आप समझ जाएं कि हाँ एक्चुअल में होता यही है। आप आज अपने प्रोफेशनल डिग्रीज जो आप CA CMA वगैरह कर रहे हैं उस पर आप इतना ज़्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इनफ्लोज में हमें लाखों करोड़ों का पैकेज लगेगा। तो हायर फ्यूचर इनफ्लोज मतलब हायर प्राइस, लोअर फ्यूचर इनफ्लोज मतलब लोअर प्राइस। आप देखिए आरकॉम एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिन्होंने बिगेस्ट लॉस अपना लॉस दिया है, 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है उन्हें, ठीक है। आप देखिए प्राइस देखिए प्राइस कितना नीचे चला गया है, क्योंकि प्राइस वैल्यू 1.30 रुपए, मतलब इसमें आपको फ्यूचर में बहुत कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, इसलिए आप इसे खरीदेंगे तो 1.30 रुपए ही देंगे। इसकी कीमत 1.30 रुपए ही है क्योंकि फ्यूचर में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आज की प्राइस कुछ नहीं होगी, तो इसकी P0 इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसकी आज की वैल्यू 1.30 रुपए के आसपास ही होगी। और 1.30 रुपए क्यों कम है, क्योंकि फ्यूचर में यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है, फाइन सर। लेकिन सेम इसी अगर हम कंपटीटर का नाम देखें एयरटेल, जिन्होंने
3000 करोड़ की प्रॉफिट दी है, 3000 करोड़ की प्रॉफिट दी है, अलग से डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहा है। हम क्या बोलते हैं, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, तो इसमें हमें ज्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं प्राइस भी ज्यादा है, 850-850 रुपए में इसको आपको खरीदना पड़ेगा। आज आपको 850 रुपए देना पड़ेगा, और वहां पर सिर्फ 1 रुपए देना पड़ रहा था। तो आप कंपेरिटिव क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फ्यूचर में जिसमें ज्यादा मिलेगा उसकी प्राइस ज्यादा होगी, फ्यूचर में जिसमें कम मिलेगा उसकी प्राइस कम होगी। आई होप आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर क्लियर हुआ है, और आपकी जो नॉलेज है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मेरा मानना है लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। आप एल हटा दीजिए तो आएगा अर्न, और हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छी अर्निंग, उसके लिए हमें अच्छी लर्निंग करनी होगी। फाइन सर, जाते जाते बिल गेट्स की एक इंपॉर्टेंट कोट जरूर बोलना चाहूंगा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। सो आप कहते हैं पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तुम कुछ करके तो दिखाओ तब तो मैं आऊं। तो आपकी सोच, आपकी टैलेंट ही आपको आगे सक्सेसफुल बनाएगी। तो अपने टैलेंट को पहचानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। याद रखिएगा, जिंदगी जो शेष है वही विशेष है। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार, आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं, इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स, विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज, विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूँ विद मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये प्राइस बनते कैसे हैं, ये बताइए मुझे जरा, ये प्राइस कैसे बनते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज समझाऊंगा कि आप बिल्कुल एकदम आंख खुला का खुला रह जाएगा। ये प्राइस बनते कैसे हैं आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं।
ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्राइस कैसे बनते हैं। एनीवन? डिमांड सप्लाई प्रेशर, बोलो यस। डिमांड सप्लाई प्रेशर से बनते हैं प्राइस। तो आज मैं आपको एक कंपनी का शेयर प्राइस दिखा रहा हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी का शेयर प्राइस मैंने दिखाया, कितना रुपए चल रहा है अभी, 58.15 यहां पर और 50 यहां पर, ठीक है? तो आप कोई एक चीज पकड़ लीजिए, बीएससी एनएससी, वो देख लेंगे क्या पकड़ना है। हम गए, मेरा अकाउंट खुल चुका है। अब मैं क्या करा, मैंने गया यहां पर, मैंने टाइप किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आया कि नहीं, आ गया। बीएससी, चलो बीएससी का पकड़ लेते, ठीक है, बीएससी का ले लेते हैं। अब मजा आने वाला है, प्राइस कैसे बनता है। ये जो प्राइस बनाया है 58 पॉइंट, बीएससी देखिएगा, 58.50, ये कैसे बना। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं इसे बाई करना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना, हा? मैं इसे बाई करना चाहता हूं। हमने यहां बाई किया, ठीक है, और हमने लिमिट में बाई किया, इंट्राडे में बाई किया हमने, लेट से फॉर एग्जांपल, और हमने बाई किया 58 में, ठीक है, और हमने यहां बाई किया और प्लेस ऑर्डर किया, और अब हम ऑर्डर बुक में गए और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। पेंडिंग आ रहा, देखिए, मतलब मेरा सौदा लग चुका है, मैंने 58 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बाई करने का सौदा किया है 58 में। अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 62.5। मैंने बीएससी में, सुन लीजिए अच्छे से, मैंने बीएससी में इस शेयर को 58 में बाई करने का सौदा किया है, और मेरा अभी जो आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा सौदा आ रहा है वो यहां पर पेंडिंग आ रहा है। आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, सबसे ऊपर देखिएगा पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, ऊपर पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, यस। मैंने 58 में बाई करने का सौदा किया है और अभी कितना चल रहा है, तो मेरा सौदा अब 58 हो गया। अब मेरा सौदा कब कंप्लीट होगा, जब ये 58 आएगा या कोई सेलर 58 में आएगा, यस और नो, यस। अब देखिए मेरा बात, अब मैं एक बार गया यहां पर, गया डिटेल्स में, ठीक है, और मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में गया। अब देखिए यहां पर आपको एक चार्ट दिखा रहा है, सामने एक चार्ट दिखा रहा है ना, सामने एक चार्ट दिखा रहा है, बोलिए यस, ठीक है। तो ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है, इसमें आप देख के मुझे बताइए कि इसमें मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। सुनो, मैंने कितने में बाई करने का सौदा किया है, 58 में मैं बाई करने का सौदा किया, ये मैं नीचे वाले में उसमें हूं, मतलब और भी लोग खड़े हैं, 17 लोग और खड़े हैं 58 में बाई करने के लिए, 17 क्वांटिटी, मैंने तो एक ही किया था ना, 58 में मैं वो हूं। इसमें टॉप बायर और टॉप सेलर आ रहा है, मतलब 58 में पांचवें पायदान में हूं, आप देख रहे हैं। मैं आना चाहता हूं और लंबे पायदान में। अभी कितना भाव चल रहा है, 62 पॉइंट, वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हर सेकेंड अपडेट हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा और ऊपर आना चाहता हूं। मैं 58.50 में गया वहां पर, मैं अपने ऑर्डर बुक में गया, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑर्डर बुक में गया और मैं यहां पर ऑर्डर बुक में जाकर अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैं आपका मॉडिफाई करना चाहता हूं। यहां पर क्लिक किया मैंने मॉडिफाई और मैंने किया 58.5055 कर लो, चलो 58 मॉडिफाई बाई प्लेस ऑर्डर। अब मैं जल्दी फटाफट गया मैं वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, अब मैं 58.55 क्या याद रखिएगा, मैं वहां गया 58.55 मैंने किया है, मैं डिटेल में गया और 58.55 मैंने किया है, देखता हूं मैं कहा हूं, 58.5 आया क्या, मैं मेरे से अच्छे बायर खड़े हैं, मेरे से अच्छे, अब तो मैं हो ही नहीं लाइन में, अब तो मैं लाइन से मुझे हटा दिया गया है, मतलब मैं बहुत कम भाव दे रहा हूं इस शेयर का, 58 पॉइंट लोग यहां पर खड़े हैं और दूसरे लोग खड़े हैं बाय करने के लिए, ये अपडेट हो रहा है हर सेकेंड, तो मैं अभी तक यहां पे नहीं आया, 58.55 में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा
मैं लगाऊंगा 59.50। अब देखो, देखता हूं मेरे को कैसे नहीं लाता ये, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनको चैलेंज कर रहा हूं, 15 क्या बोला था मैंने अभी, 59.5। जल्दी जल्दी कर, देखो इतना टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम लगना नहीं चाहिए। फिर मैंने मॉडिफाई किया 59.50, मैंने किया मॉडिफाई, मैंने किया प्लेस ऑर्डर, मैं गया फटाफट, गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बायर सेलर देखा मैं। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अब इतना लेट नहीं चलेगा। अब देखो 50 क्या नाम मेरा, मेरा क्या था 59.5, ये मैं हूं, ये मैं हूं, एक एक इसमें मैं हूं, दो ऑर्डर लगे हैं ना, कोई है क्लास में जो उसने लगाया है? ए देखो ये लड़के ने लगाया है, उस लड़के ने ऑर्डर आपने लगाया 59.5, एक लड़का ये और एक लड़का मैं। आप अपना ऑर्डर हटाओ, तो ऑर्डर हटाओ अपना, नहीं सही मत कह रहा हूं, ऑर्डर हटाओ एक बार फटाफट, ऑर्डर हटाओ, हटा दिया, हटाइए ऑर्डर हटाइए, ऑर्डर हटाइए। ए देखिए एक मैं हूं बस, अभी अभी उन्होंने हटाया, ये सुन लो, फिर लगाइए, फिर हटाइए, ऐसे दिखते रहिए, खुश होइए। मैंने पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते, पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला ये हूं जो सबसे बेस्ट बायर है इस शेयर के ऊपर, बेस्ट बायर हूं मैं, मतलब मेरे से अच्छा रेट कोई नहीं लगा रहा बाइंग में। अब समझे, गरज होता है ना जिसको, अब मेरे को गरज है तो मैं 60 भी लगा दूंगा। अब बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। अब मेरा बाइंग प्रेशर कैसे आएगा, कोई आ जाएगा 60 लगाने, और कोई 61 62 63, इस तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये सुनो, अब किसको गरज है देखना पड़ेगा। अगर बाहर को गरज है तो मेरा 59.5 मेरा नहीं हो रहा, चलो 60 लगा देता, मुझे लेना ही है, मेरा गरज है, मेरे को लेना ही है, तो मैं भाव बढ़ाऊंगा ना, सेलर बोल रहा है भैया भाव बढ़ाओ, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्राइस से सबसे पहले बात है कोई लेना देना नहीं है 58.65 से, 58.65 भी मैं लगा दूंगा तब भी नहीं होगा, चलो देखता हूं। अब देखो मेरा 59.50 हूं मैं, अब मैं और अच्छा रेट लगाता हूं, मैं और अच्छा रेट लगाता हूं, अच्छा सेलर कितने में खड़ा है, 60 में, 60 होगा तो मैं, हम दोनों मिल जाएंगे, ये कोई और हो, ये कोई है क्या क्लास में, क्लास का तो नहीं है ना कोई, ये 60 कोई होगा, हम और ये तभी मिलेंगे जब मैं भी 60 वो भी 60, या वो 59.50 मैं भी 59.50, हम दोनों की सहमति से ही ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यही शेयर क्यों पकड़ा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग है, इसमें बहुत लोग नहीं आते हैं शेयर ट्रेडिंग करने, अभी रिलायंस और वो ले लेता तो एक सेकंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बायर सेलर रोज आ रहे हैं, हर सेकंड आ रहे हैं, तो वहां पर बताना यहां पर स्थिर है, रुका हुआ है, तो समझाना में मजा आता है इस शेयर पे, इसलिए मैं इसी शेयर पे रहा। अब मैं 60 करूंगा ना, तब जाके हम दोनों मिलेंगे, या तो वो गरज के दिखाए, वो भी देख रहा है मुझे, मैं भी उसे देख रहा हूं, यस एंड नो, देख तो दोनों एक दूसरे को रहे, लेकिन सवाल ये कि झुकेगा कौन, यस और नो, वो पहले झुकेगा या मैं पहले झुकूंगा, सवाल ये है, वो भी मुझे देख रहा है, मैं भी उसे देख रहा हूं, सवाल ये कि कौन झुकेगा पहले। मैं बोला नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो दिन भर 59.50 में रहूंगा, तुम्हें आना है तो आओ, वो कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, तुम्हें आना है तो आओ, ऐसे हम दोनों लड़ाई करेंगे। और अगर हम दोनों नहीं मिले, हम दोनों नहीं मिले और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आज प्राइस 58.65 भी रहेगा इस, और ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी आज दिन भर, आज दिन भर ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना मैं झुक रहा हूं ना हम दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझो इससे, लेकिन हम दोनों आपस में अपने आप को देख रहे हैं, ना वो झुक रहा ना मैं झुक रहा हूं, कोई तीसरा कूद जाएगा, कहता है मैं झुकने को, वो आ गया 60 में, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ओ, अब पता चला कैसे प्राइस बनता है। कोई आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे, और भी लोग हैं, जैसे आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग कुछ कर, अरे मैंने ये प्राइस बनाया है, ये 59.50 मैंने बनाया है, कोई आया होगा मुझे बेचने,
कोई ना कोई आया होगा मुझे बेचने, मेरा बिक गया होगा माल, मेरा मैंने खरीद लिया होगा। अब देखो ऑर्डर मिल गया मैं, अब वो झुकाया कोई और झुकाए, सोचने वाली बात है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड, मतलब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका हूं। यस और नो? अब पता चला प्राइस कैसे बनता है बिल्कुल अच्छे से ये। हाँ, ऐसे तो हम प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, करके देखो ना। छोटे मोटे शेयर में हो जाएगा, बड़े बड़े जो शेयर है जिसमें टर्नओवर बहुत, इसको मैंने क्यों पकड़ा, देखो ध्यान समझना, इसको मैंने क्यों पकड़ा, इसका वॉल्यूम देखो, ओनली 403 वॉल्यूम है, देखो ध्यान से सुनना। बीएससी में इस सामने दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, यहां पे एकदम सामने दिख रहा है कोई चीज, बोलो यस। ये 400 शेयर की ट्रेडिंग हुई है और वहां पे कितनी हुई है, 200 नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ये 200 साइड में लगा हुआ ना, और उसमें थोड़ा 400 नजर आएगा, दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। ऊपर मतलब 200 शेयर मात्र इंडिया में, सिर्फ 200 शेयर के अभी तक इसमें काम हो रहा है, 200 बहुत। अब एक बार हम रिलायंस का देखते हैं, अब हम देखते हैं यही चीज मैं देखता हूं रिलायंस का, ठीक है। अब देखो यही चीज मैं देखता हूं, यही चीज मैं देखता हूं लेट से फॉर एग्जांपल वोडाफोन का, लेट से वोडाफोन का मैं यही चीज देखता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें, ओ माई गॉड, इतनी वॉल्यूम है तो इसमें हम जल्दी से कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना स्थिरता से मैंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्थिर रहा, उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती है, ज्यादा लोग उसको बाई सेल नहीं करते उस शेयर को, लेकिन यहां पर मेरा बताना मुश्किल हो जाएगा। यहां मैं लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, कुछ लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, यहां सब झुकने को, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा यहां पे काम। यस एंड नो? क्योंकि इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है कि किसी को रोक नहीं सकते ना, यस और नो? लेकिन वहां पर स्थिर था, वहां मैंने बोल दिया सौदा हटाओ, सौदा हटा दिया, हटा दिया ना, ऐसे सौदा, बहुत कम शेयर्स में ये काम हो जाता है, लेकिन वही काम इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहां पे इतना जल्दी से झुका झुकी पता नहीं चलेगा, वहां पे पता चला, यहां पे भी हो रहा है वही काम, लेकिन यहां फास्ट हो रहा, फास्ट 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 फास्ट। यस और नो? तो लेकिन आपको ये पता चल गया कि प्राइस कैसे बनता है। मेरा नाम शशांक सक्सेना है और मैं बरेली यूपी से आया हुआ हूँ, और यहाँ पे सर के पास पड़ा हूँ जो कुछ भी है, पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि मूर्तिकार होता है वो एक पत्थर को अपनी रुचि अपनी ताकत से एक शेप दे देता है, इसकी आप पूजा भी करते हैं कुछ भी करते हैं, मेरे लिए वो सर हैं, इन्होंने मुझे एक ऐसी आकार में ढाल दिया है, इसकी कीमत बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि आप एक मैजिशियन जैसे हो, बिकॉज द वे यू अंडरस्टैंड कि हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है उसे क्लियर करना, मतलब मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मैजिशियन जैसे हो। He is the guy who scored 100 out of 100 in NCFM. 100 out of 100. जैसे मैंने IPCC क्लियर करा तो सभी दोस्तों से सुना कि SFM की क्लास लगाओ, और सबने कहा आदित्य जैन सर से लगवाओ, आदित्य जैन सर से लगवाओ, सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडल वाइस में मेरा काउंटर खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट, और हमें जो मिलेगा हम बात का गुरूर 25 फेब से हुआ था ये बात शुरू, आज नई नवेली एक बात का गुरूर 25 फेब से हुआ था ये बात शुरू। SFM के ये टीम मिस्टर आदित्य जैन, सो प्लीज कम इन द लाइमलाइट। SFM के ये टीचर मिस्टर आदित्य जैन, ही मेड इट वेरी सिंपल दो इट वाज अ पेन, कंसेप्ट पे कंसेप्ट पे कंसेप्ट पे कंसेप्ट सर के लिए, ही इज सच अ नाइस मैन, इतने ग्राउंडेड। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि सक्सेसफुल आदमी मैंने बहुत देखे हैं, पर्सन भी एटीट्यूड नहीं है, ही इज सो डाउन टू अर्थ। जैसे जैसे क्लास शुरू हुई कंसेप्ट की बारिश शुरू हुई, कंसेप्ट पे कंसेप्ट सर कराते थे काउंट, और सर को जो मिलता था उसे कर देते थे डिस्काउंट।
इसी क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, हर दिन नई चीज सीखी, हर दिन नया सीखा। हर क्लास को हमने नमो मंत्र के साथ शुरू करा, हर क्लास को सर ने पॉजिटिव बनाया, हर क्लास में सर ने ऐसे ऐसे थॉट ऑफ द डे दिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरा ही बदल दिया। और सर ने आज मेरे मन से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है कि सर आप जैसे अभी हम लोगों को आपने पढ़ाया, आगे जाके और लोगों के भी जो और भी फाइनल के स्टूडेंट होंगे उन सब को भी ऐसे ही ज्ञान देते रहना। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी सर, क्या बैच बनाया आपने, क्या बैच बनाया आपने। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट फैकल्टी ऑफ एसएफएम आदित्य जैन सर। योर क्लासेस आर रियली वेरी ऑसम। ही इज द बेस्ट टीचर। और टेक्निक्स तो सर की ऑसम। सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइस वोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखवाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर वन फैकल्टी इज CACSCMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिविजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, एक एक चीज में सर डेरिवेशन लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। तो यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे सर की लगती है कि हमें हर चीज हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। आई टू क्लासेस फ्रॉम सी आदित्य जैन सर एंड इट वॉज सो फार माई बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक एक चीज, हर एक एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90+ का हम टारगेट देते हैं, बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। And Aditya Mittal scored 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him. I am Smriti Mahindru. I am CA final student. I took classes from C. Aditya Jain sir. I took his CA final SFM classes and it was so far my best decision of my life. The very practical subject I learned from the best teacher. बहुत सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक एक चीज़, हर एक एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से गाइड करा और हर एंगल से उन्होंने सपोर्ट कराया। फाइनेंस को एक करियर क्यों बनाना चाहिए, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, वो उन्होंने बताया। ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स में तो हर कोई जाता है और क्या क्या है, पर सर ने ही समझाया कि फाइनेंस में क्यों जाना चाहिए। इतने सब सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब चैप्टर्स हैं हमारी बुक्स में जिसको खुद ही पढ़ के लगता है कि यार इस लाइन में जाना चाहिए, इस लाइन में बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। और इनिशियल स्टेज पे अगर हम सीए फाइनल लेवल की स्टेज पे अगर हम सीए सब कुछ बेसिक्स अगर सर से समझ लेते हैं, सर से पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आगे अपना डिसीजन बना सकते हैं कि हमें लाइफ में किस लाइन में जाना है, फाइनेंस की ही किस लाइन में जाना है। तो जैसे सर ने एडवाइस करा, मैं भी चाहूँगी कि हम सब इसी लाइन में जाएँ। मैंने आई जस्ट क्लियर माई गोल्डमैन सैक्स इंटरव्यू और मेरा भी इसी वजह से ही क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने फाइनेंस को अपना लाइन आगे सोच के रखा है। तो मैं भी सबको ये एडवाइस करूँगी कि ये ही करें। और जैसे कि सर की इलेक्टिव पेपर की भी अब क्लासेस निकलने वाली हैं, तो वो भी ज़रूर उसको भी देख के देखें, उससे कितना हेल्प मिलेगा। तो अभी कुछ टाइम में लॉन्च भी हो जाएंगी और भी क्लासेस, तो ज़रूर इसका मतलब इसकी हेल्प लें और आगे अपना फ्यूचर और ब्राइट करें। सर CFA के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ नॉलेज देते हैं। जितना अभी हम सब ऑनलाइन पढ़ते हैं कि क्या है, वो सब प्रैक्टिकली सर बता रहे हैं कि CFA क्या है, क्यों करना चाहिए, और CA के बाद कितना ज़्यादा हेल्प करेगा हमें फ्यूचर में। तो वो भी ज़रूर इस एंगल में भी हमें देखना चाहिए आगे अपना फ्यूचर शेप करने के लिए। और कुछ टाइम में सर की क्लासेस भी आने वाली हैं इस पे, तो डेफिनेटली हमें वो देखनी चाहिए ताकि हमें आगे हेल्प मिल जाए। तो सर की गाइडेंस और सर की सपोर्ट की वजह से अगर हमें लाइफ में इतनी सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्यों ना लें। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू go for this, and all the very best to all. Thank you so much.